जितने भी हमारे गिरजाघर मंदिर मस्जिद जितने भी हैं उनको यथा स्थिति में बनाए रखने के लिए, उनके चरित्र पर कोई भी दाग न लगाने के लिए कानून बना दिया गया। जनमानस के लिए जन कल्याण का काम करती हैं, ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं जनता की ओर से। आज हम 139वें स्थान पर जो है भुखमरी और आर्थिक और बेरोजगारी के आधार पर हैं। एक ज्ञान का भंडार होता है, आज इन्होंने शिक्षा पर जीरो बजट भी एक रुपया भी नहीं करा, किस आधार पर मुकदमा कर दिया? ऐसा तो हम मतलब व्यक्ति की जनभावना भावनाओं नहीं सिद्ध किया गया तो उस पर मुकदमा किस प्रकार कर दिया गया? कुछ सरकार का जन कल्याण काम करना है, न कि पाखंडवाद की ओर करना। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। ज्ञान व्यापी मामले पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं गाजियाबाद में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालमन जी, इनसे जानते हैं। लालमन जी, आपका DNP इंडिया पर स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान व्यापी मामले पर जो हो रहा है इसमें आपकी क्या सोच है? बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। जो ज्ञान व्यापी मामला है, जब 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी हमारे गिरजाघर मंदिर मस्जिद जितने भी हैं उनको यथा स्थिति में बनाए रखने के लिए, उनके चरित्र पर कोई भी दाग न लगाने के लिए कानून बना दिया गया, फिर भी मैं न्यायालय पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन जरूर करना चाहता हूँ। सरकार की मंशा जो है हर काम में, हर जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएँ हैं उनके माध्यम से राजनीति करना चाहती है जनता के बीच में, वो मैं उसके लिए, मेरा ये अपना मत है कि मैं उसका बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ। संस्थाएं जनमानस के लिए जन कल्याण का काम करती हैं, जब दबाव में जन कल्याण के विरुद्ध काम करती है तो हर व्यक्ति का कार्य होता कि सरकार पर उंगली उठाने का कर्तव्य है। हम विपक्ष के आदमी हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं जनता की ओर से। आज हम 139वें स्थान पर जो है भुखमरी और आर्थिक और बेरोजगारी के आधार पर हैं, जो श्रीलंका से भी हम बदतर हो चुके हैं। ये ध्यान भटकाया जा रहा है जिससे कि हिंदू मुसलमान, क्योंकि इन्हें फायदा होता है इन चीज़ों से, जबकि इन चीज़ों से फायदा होता है ये मुद्दे वही लाते हैं। आप ज्ञान व्यापी का जो मस्जिद का जो मुद्दा है, मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक ज्ञान का भंडार होता है, आज इन्होंने शिक्षा पर जीरो बजट भी एक रुपया भी नहीं करा, मतलब जो है जो बजट होता है वो 0% कर दिया, जिससे कि 55,000 स्कूल जो हैं, जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, IIT इंजीनियरिंग जितने भी सरकारी हैं वो सब बंद के कगार पर हैं, ऐसे ही अस्पतालों का हाल है। तो ये जो ज्ञान व्यापी है ये ध्यान भटकाने का एक साधन है। मैं जो है न्यायालय पर टिप्पणी नहीं कर रहा, पर सरकार भी अपने आप में जो है बहुत बड़ी शक्ति रखती है, सरकार चाहे तो इसको रोक सकती है। अभी एक बात सुनो, कोई आवाज़ उठाएगा, अभी प्रोफेसर रतनलाल ने आवाज़ उठाई। प्रोफेसर रतनलाल इतिहासकार, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, और जब शिवलिंग किसी आप वो को शिवलिंग को बताया कि ये जो शिवलिंग है, कोई दूसरा पक्ष कह रहा कि फुहारा है, अभी वैज्ञानिक दृष्टि से वो सिद्ध नहीं हुआ, उसके आधार पर आपने उस पर मुकदमा कर दिया, किस आधार पर मुकदमा कर दिया? ऐसा तो हम मतलब व्यक्ति की जनभावना भावनाओं नहीं, हमारे चरित्र का हनन हो, हमारे भावनाओं का हनन हो, हमें फंडामेंटल राइट दिया है, हमें अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने की आज़ादी है, जब वैज्ञानिक दृष्टि से उसे शिवलिंग सिद्ध किया गया तो उस पर मुकदमा किस प्रकार कर दिया गया? इस पर भी हम, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी घटिया हो रही है, हम इसका विरोध करते हैं। ये सरकार की नाकामियों का कारण है, कोई आवाज़ उठाएगा तो उस पर मुकदमा कर दिया जाएगा, ये तो गलत बात है। जबकि एक बात बताऊँ, सरकार और प्रेस का एक रूप होता है, ये पाखंडवाद रूढ़िवाद अत्याचार शोषित वंचितों का काम करती है, लेकिन सरकार अब इस टाइम जो है पाखंडवाद की ओर ले जा रही है, जो पाखंडवाद जो है का काम नहीं करती सरकार को। सरकार का जन कल्याण काम करना है, न कि पाखंडवाद की ओर करना, मैं इसका विरोध करता हूँ। विरोध के इसमें जो है शिक्षा पे काम होना चाहिए, चिकित्सा पे काम होना चाहिए, भाईचारे पे काम होना चाहिए, समता समानता बंधुता होना चाहिए। जब हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर बन गया, सभी धर्मों का सम्मान हो गया, फिर ऐसी असंतुलन भावना भड़काने का काम क्यों किया जाए? चाहे वो न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे सत्ता के माध्यम से हो, चाहे राजनीति के माध्यम से हो, हम इसका विरोध करते हैं बिल्कुल। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, अगर बात करें कांग्रेस की तो BJP का ये आरोप है कि जब उनके पास इस तरह के राइट्स थे
तो उन्होंने इसको उजागर नहीं किया और जो मोमडन हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनका साथ दिया और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनके मंदिरों पर इसी तरह से कब्जा होने दिया। इस पर आप क्या कहेंगे जी? ये आरोप जो बीजेपी लगाती है यही ध्रुवीकरण का काम करती है। हमारे कांग्रेस की सरकार में जितनी भी संस्थाएं थी स्वायत्त और निष्पक्ष हुआ करती थी और वो जो भी दोषी था वही काम किया जाता था, लेकिन ये अपने चुनाव के एजेंडे पर चलते हैं। चाहे किसानों का मामला देखा हो, 700 आदमियों ने अपनी शहादत दे दी और फिर इन्होंने अपनी मुंह की खानी पड़ी। अभी एक बात देखिए कि अपने एक अजय टैनी हैं, गृह मंत्री है, उसकी वीडियो वायरल हुई है, उसके लड़के ने जानकर जो किसानों पर चढ़ाया है और फिर भी उसे बचाने का काम करते हैं। हम लोगों के ने ऐसा काम नहीं किया। हमारी जितनी भी सरकार हुई, जो भी आरोप लगाया उसको बाकायदे जो संस्थाएं थी वो बाखूबी काम करती थी। ये आरोप इनका निराधार बिल्कुल गलत है। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालमन जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और इनका कहना है कि बीजेपी सरकार इस वक्त ध्रुवीकरण की राजनीति करती है जिसके चलते लोगों में असमानताएं और असामाजिकता बनती जा रही है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।